गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के ऊपर। बेटा देखिए, ह्यूमन हार्ट, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके यदि हम बात करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी सर्कुलेशन यदि हम देखते हैं, तो हर टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? ये स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे, नंबर वन, यदि हम किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो हमें किसी भी टाइप के कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे? तो किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं, नंबर वन, सर्कुलेटरी फ्लूइड। ह्यूमन में क्या होता है? ब्लड। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको देखने को क्या मिलेंगे? सर्कुलेटरी वेसल्स। सर्कुलेटरी वेसल्स में क्या आते हैं? हमारे आर्टरी एंड वेंस। और इसके बाद तीसरा होता है पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन नहीं हो तो सर्कुलेशन पॉसिबल होता ही नहीं है। तो देखिए, ह्यूमन में जो पंपिंग ऑर्गन होता है वो क्या होता है? हार्ट। ठीक है, तो हार्ट बेटा हमारा क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम हार्ट के बेसिक इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। बेटा देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें इसके ओरिजिन के बारे में। हार्ट का जो ओरिजिन होता है बेटा, ये कैसा होता है? मीसोडर्मल होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें बेटा इसके लोकेशन के बारे में। हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोड़ा इसका लोकेशन देखें बेटा। यदि हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो ये हमारा जो हार्ट होता है ये कहाँ होगा? थोरेसिक कैविटी के बीच में प्रेजेंट होगा, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होगा। अब जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन बॉडी, ट्रंक रीजन में आप क्या देखेंगे? ट्रंक रीजन में जो एक डिवाइडेशन है, डिवाइडेशन कौन सा है बेटा? हमारा डायफ्राम। डायफ्राम ने क्या किया? ट्रंक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ट्रंक का ऊपर वाला पोर्शन थोरेसिक और ट्रंक का नीचे वाला पोर्शन कौन सा हो गया? एब्डोमिनल। कौन सा हो गया बेटा? एब्डोमिनल। अब हम देखते हैं बेटा, इस थोरेसिक पोर्शन में ठीक सेंटर में आपको यहां पे आपको हार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ होता है? हमारे दोनों लंग्स के बीच में होता है। ये हमारे लंग्स और ये लंग्स के आपको बीच में दिखाई देगा। ठीक है, हमारे स्केलेटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर एक बोन होती है। कौन सी बोन होती है? स्टर्नम। तो इस स्टर्नम बोन के ठीक नीचे की साइड में हमको हार्ट की लोकेशन दिखाई देती है। ठीक है, तो ये बोन जो है कौन सी है? स्टर्नम। ये बोन कौन सी स्टूडेंट्स? स्टर्नम। ये क्या हो गया? लंग्स। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? लंग्स हो गए। और हार्ट का जो एपेक्स है वो कहाँ है? थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है। कहाँ है बेटा ये? थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब हार्ट की ये जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस पोजीशन इज नोन एज मीडिया स्टेनम। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द लोकेशन, तो लोकेशन कहाँ दिखाई देगी बेटा हमको इसके? ठीक है,
प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, लुक थोरेसिक कैविटी में किधर है बेटा, वेंट्रल साइड, किस साइड में प्रेजेंट है बेटा हमारा हार्ट, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। और वेंट्रल साइड में जो थोरेसिक रीजन के बीच में जो पोर्शन है उस पोर्शन को अपन बोलते हैं उसे बेटा मीडिया स्टेनम के नाम से जानते हैं। तो ये मीडिया स्टेनम जो पोजीशन होती है हमारे थोरेसिक पोर्शन में, मतलब स्टेनम के नीचे वाली पोजीशन, वहां पर बेटा हमारा जो हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बेटा हम हार्ट के कुछ डायमेंशंस को लेके बात कर लेते हैं। बेटा हम हार्ट के कुछ डायमेंशंस को लेके बात कर लेते हैं, इसकी लेंथ देख लेते हैं। ओरिजिन देख लिया हमने, उसकी लोकेशन देख ली, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें इसकी लेंथ साइज हार्ट के। तो बेटा जो ह्यूमन हार्ट होता है इसका जो शेप है, शेप कैसा होता है पहले तो अपन इसके शेप को लेके बात करें। बेटा इसका जो शेप होता है, हमारे हार्ट का जो शेप होता है वो एक बंद, एक मुट्ठी की तरह होता है। जैसे आप अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कीजिए, इस तरह से बंद करें तो एक बंद मुट्ठी की तरह जो है आपको इसका जो शेप जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको इसका जो शेप होता है वो कैसा दिखाई देता है बेटा, वो आपको एक तरह से बंद मुट्ठी की तरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो हार्ट पहले डायमेंशन बता देता हूँ इसके। बेटा हमारे हार्ट की जो लंबाई होती है वो तकरीबन कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर समथिंग, 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर समथिंग होती है। इसकी जो ब्रिड्थ होती है वो कितनी होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है तकरीबन तकरीबन 9 सेंटीमीटर समथिंग समथिंग। और इसकी जो थिकनेस होती है हमारे हार्ट की वो होती है 6 सेंटीमीटर समथिंग। बेटा हार्ट का जो साइज होता है वो मेल में थोड़ा बड़ा होता है और फीमेल में थोड़ा छोटा होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो मेल होते हैं वो बड़े दिल वाले होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद शेप मैंने अभी बताया आपको कि बंद मुट्ठी की तरह इसका शेप है, मतलब कि क्लेंच जो है फिस्ट की तरह है। ठीक है, तो बंद मुट्ठी की तरह बेटा इसका शेप होता है। हमारे हार्ट का जो वेट होता है, वेट को भी लेके बात करें तो वेट बेटा हमारे हार्ट का मेल में, मेल के अंदर जो वेट है वो तकरीबन 250 ग्राम समथिंग देखने को मिलेगा। अब चूंकि फीमेल के अंदर हार्ट छोटा है तो वेट भी कम देखने को मिलेगा ना, तो फीमेल में जो हार्ट का वेट होता है वो 225 ग्राम समथिंग समथिंग होता है। ठीक है, तो फीमेल में हार्ट का वेट कितना होता है, 225 ग्राम समथिंग, 225 ग्राम समथिंग, और मेल में जो हार्ट का वेट होता है वो करीबन 250 ग्राम समथिंग होता है। ओके, तो ये हमने हार्ट की एक जनरल आपको इंफॉर्मेशन दी किस तरह का हमारा हार्ट प्रेजेंट है। अब उसके बाद बेटा हमारा हार्ट जो होता है एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो और बेटा वो जो डबल लेयर्ड जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन के बैक को हम बेसिकली पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट ह्यूमन हार्ट
प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिकार्डियम। तो बेटा हमारा हार्ट एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है। पेरिकार्डियम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पेरिटोनियम। पेरिकार्डियम एक्चुअली में किसका मॉडिफिकेशन है, पेरिटोनियम का मॉडिफिकेशन से स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद किस तरह का होता है बेटा पेरिटोनियम, थोड़ा हम इसको बता दें आपको। तो देखिए ये हमारा हार्ट आपको डायग्राम में दिख रहा है। हार्ट जो है एक बैग से कवर्ड है, एक बैग है जिसके अंदर हमारा हार्ट रखा हुआ है। नीचे वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं नीचे वाले डायग्राम को, ये आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा जो हार्ट है आप देखेंगे कि एक डबल मेम्ब्रेन पेरिटोनियम से पेरिकार्डियम से कवर्ड है। ठीक है, ये आपको यहाँ डायग्राम में बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है। अभी कैसा होता है पेरिटोनियम पेरिकार्डियम, सॉरी मैं वो बता देता हूँ आपको। पेरिकार्डियम के दो पार्ट होते हैं, जरा देखिए। सबसे बड़ा बाहर का पेरिकार्डियम जो होता है इसे हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये आउटर साइड में होता है। और अंदर का जो पेरिकार्डियम होता है इसे हम बोलते हैं सिरस पेरिकार्डियम। ठीक है, अब ये जो आउटर का जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये करेगा क्या बेटा, ये काफी मजबूत स्ट्रक्चर होता है, टफ स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा ये पेरिकार्डियम जो होता है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक्चुअली ये किसका बना होता है बेटा, दीज आर मेड बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बेटा ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है, तो बेटा ये हार्ट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, किसी भी तरह के अनवांटेड प्रेशर से हार्ट को बचाएगा। ठीक है, अब अंदर वाला जो पेरिकार्डियम है बेटा, ये जो पेरिकार्डियम है इसे अपन क्या बोलते हैं, सिरस पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। सिरस पेरिकार्डियम जो होता है ये भी बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसका वो पोर्शन जो बिल्कुल हार्ट के साथ कनेक्टेड है, जरा आप देखिए इसका वो पोर्शन जो हार्ट के साथ कनेक्टेड है इसे अपन क्या बोल रहे हैं, विसरल पेरिकार्डियम के नाम से जान रहे हैं। और सिरस पेरिकार्डियम का बाहर का लेयर इसे अपन बोलते हैं क्या, पेरिटोनियल सॉरी पेराइटल पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन, पेराइटल पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। अब विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूड भरा हुआ रहता है, ये एक तरह का सिरस फ्लूड होता है, और इस फ्लूड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड। यहां पे जो फ्लूड भरा होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूड। और ये जिस कैविटी में भरा हुआ है उस कैविटी को अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। तो पेरिकार्डियल कैविटी कहाँ है, विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के ठीक बीच में प्रेजेंट है। ओके, अब ये कैविटी क्या करेगी बेटा, ये जो शॉक रेजिस्टेंस होती है, किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से हमारे हार्ट को डैमेज होने से रोकती है, पहली इसकी विशेषता। दूसरी बेटा इसकी विशेषता ये होती है हमारी इस कैविटी की कि ये हार्ट को डेसिकेट होने से रोकती है, हार्ट को सूखने से बचाती है। ठीक है, तो ये हमारे जो है इसकी विशेषताएं होंगी, किसके, हमारे हार्ट के कवरिंग की विशेषताएं होंगी। ठीक है ना, तो बेटा यदि हम हार्ट के कवरिंग को लेके बात करें तो हम क्या देखते हैं, हार्ट का कवरिंग कैसा है, डबल वॉल्ड में कवरिंग है हार्ट का। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट पेरिटोनियम। तो ये कैसा है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है पहली बात तो ये। दूसरा बेटा इसकी विशेषता ये है कि डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है। दूसरा इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ
पेरिटोनियम, ये किसका मॉडिफिकेशन है, पेरिटोनियम का मॉडिफिकेशन है। और फिर हमने क्या देखा, पेरिकार्डियम में दो मेम्ब्रेन है, कौन कौन सी दो मेम्ब्रेन है बेटा, हमने देखा सबसे आउटर मोस्ट की पे मेम्ब्रेन कौन सी है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, अंदर वाला कौन सा है, सीरस पेरिकार्डियम। अंदर वाला कौन सा है बेटा, सिरस पेरिकार्डियम है, ठीक है। उसके बाद सिरस पेरिकार्डियम में हमने क्या देखा, सिरस पेरिकार्डियम बेटा हमने क्या देखा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड, ये इनर वाला है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड बेटा। सिरस पार्डियम पेरिकार्डियम का वो पोर्शन जो हार्ट के साथ कनेक्टेड, इसे अपन क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। ये किसके साथ कनेक्ट है, ये हार्ट के साथ कनेक्टेड है, और जो बाहर की साइड में है वो कौन सा है, पेराइटल। ये किसके साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड विथ फाइब्रस का पेरिकार्डियम। ओके, इन दोनों के बीच में पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम के बीच में क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी। और उसमें क्या भरा हुआ है, उसमें भरा हुआ है पेरिकार्डियल फ्लूड। ठीक है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया किसका, पेरिकार्डियम का। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन, कि भाई पेरिकार्डियम के क्या फंक्शन है। तो इफ यू डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम के बेटा फंक्शन तो यही होते हैं कि ये क्या करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है, तो पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द हार्ट। ठीक है, प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन, क्योंकि बेचारा बीट करता है, हाथ लगाता है, तो उसको फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए ना, और मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, एक काम तो ये हो गया, दूसरा हार्ट को सूखने से बचाना, मतलब हार्ट को लगातार क्या रखना, मॉइस्ट रखना, ये भी इसका काम होता है, किसका, पेरिकार्डियम का। ओके, तो दीज आर द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद बेटा हम बात करेंगे हार्ट की वॉल के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट द वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक, अब हम हार्ट की वॉल को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जरा हार्ट की वॉल को देखिए, हाँ अब हार्ट की जरा वॉल को देखिए, हाँ जी। तो देखिए ये क्या था,
ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर यहां तक का स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? पेरिकार्डियम। ओके, तो पेरिकार्डियम में क्या है? बाहर फाइबर्स लेयर आ गया, उसके बाद हमारा अंदर वाला कौन सा आ गया? सीरस लेयर आ गया। सीरस लेयर में आपने क्या देखा कि ये दो पार्ट में डिफरेंशिएट है, बाहर की साइड में पैराइटल पेरिटोनियम पेराकार्डियम और अंदर की साइड में विसरल पेरिकार्डियम, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो कौन सा है? पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें कि पेरिकार्डियल फ्लूड भरा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं हार्ट की वॉल के बारे में। बेटा यदि हम हार्ट की वॉल को लेके बात करें तो हम क्या देखते हैं कि हार्ट की वॉल में तीन लेयर होते हैं। अब ये तीन लेयर कौन कौन से हैं, हम इसको देख लेते हैं। चलो ठीक है, अब सबसे बाहर का जो लेयर होता है हार्ट की वॉल का, इसे हम बोलते हैं एपिकार्डियम। तो हार्ट की वॉल का सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कौन सा हो जाएगा? दिस लेयर विल बी, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कौन सा हो जाएगा? दिस विल बी एपिकार्डियम। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है स्टूडेंट्स, और ये जो लेयर होता है ये लेयर किसका बना होता है? दिस लेयर बेसिकली मेड बाय, ये जो लेयर होता है ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? दिस लेयर मेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? मायोकार्डियम के बारे में। बेटा मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट लेयर, और ये स्पेशल टाइप की मसल्स से मिलके बना होता है जिन्हें अपन कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। तो मेड बाय कार्डियक मसल्स, किसका बना है? कार्डियक मसल्स का बना है। बेटा कार्डियक मसल्स एक विशेष टाइप के मसल होती हैं जो कभी थकती नहीं है, ठीक है? तो ये इनकी विशेषता होती है। तो ये हमारे हार्ट का सबसे मजबूत पोर्शन है। उसके बाद हम आते हैं हार्ट के सबसे अंदर वाले लेयर के बारे में, ठीक है? तो हमारे हार्ट का जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है डेट विल बी एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम किसका बना होगा? दिस मेड बाय द, ये बना होता है बेटा स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू का, बहुत ही पतला टिश्यू होता है। तो ये मेड बाय स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, एक टिश्यू होता है, इसका नाम होता है स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 आपके जो एनसीईआरटी का है उसमें बताएंगे आपको। तो उसका बना होता है, और एंडोकार्डियम इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द हार्ड वॉल, ये हमारे हार्ड वॉल का सबसे पतला लेयर होता है। तो दीज आर द थिनेस्ट लेयर ऑफ द हार्ड वॉल। तो बेटा ये हमारे हार्ट की वॉल का सबसे पतला लेयर होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, इसकी वॉल में कितने लेयर हैं? तो इसकी वॉल में बेटा कितने लेयर हैं? इसकी वॉल में तीन लेयर हैं। कौन कौन से तीन लेयर हैं? नंबर वन कौन सा? एपिकार्डियम। दूसरा लेयर कौन सा? मायोकार्डियम। और तीसरा लेयर कौन सा? एंडोकार्डियम, ठीक है? तो तीन लेयर हैं। और इसमें भी आपने क्या देखा कि एपिकार्डियम लेयर किसका बना हुआ है? दिस लेयर मेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना होता है बेटा? ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब मायोकार्डियम वाला टिश पोर्शन, ये हमारे हार्ट वॉल का सेकंड लेयर है, और बेटा ये बना होता है किसका? कार्डियक मसल्स का बना होता है। दिस इज द थिकेस्ट लेयर। अब उसके बाद आता है कौन सा? एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम वाला जो लेयर, इट मेड बाय द स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, ये बेटा स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू का बना है, ठीक है? ये किसका बना है बेटा? स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू का बना है। ओके,
ये सबसे अंदर का लेयर और सबसे सबसे बेटा कैसा है, ये थिनेस्ट लेयर होता है, ठीक है। तो एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर, ये कौन सा लेयर है बेटा, है ये आउटर लेयर है। एंडोकार्डियम कैसा लेयर है, ये इनर लेयर है। ये हमारे हार्ट का कैसा लेयर है, इनर लेयर है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। ओके, अब मैं आपके कुछ डाउट्स देख लेता हूं। आपके कोई डाउट है क्या? बेटा पेरिकार्डियम जो है, इट्स अ नेम ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये इस हार्ट का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसका जो नाम है बेटा, ये क्या, पेरिकार्डियम। ओके, तो इट्स अ नाउन ग्रामेटिकली। जहां तक इसकी एपिस्टोमोलॉजी का नाम मतलब है, और ये वर्ड कैसे बनता है, तो पेरी पेरी मतलब क्या होता है, आउटर। कार्डियम का मतलब क्या होता है, कवरिंग, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, मतलब हार्ट का आउटर मोस्ट कवरिंग, हार्ट का कवरिंग, ठीक है। और पेरिकार्डियम दूसरा बेटा, पेरिकार्डियम का जो मीनिंग है हमारे कार्डियोलॉजी के अंदर, वो क्या होता है, वो होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो मीनिंग क्या है बेटा, प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। तो पेरिकार्डियम का मीनिंग है प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द कार्डियोलॉजी। और एपिस्टोमोलॉजी के अकॉर्डिंग, पेरी मतलब होता है आउटर, कार्डियम का मतलब होता है हार्ट, मतलब हार्ट के ऊपर का पोर्शन, डेट विल बी जो कि प्रोटेक्टिव है। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टूडेंट्स, कि हमारा हार्ट कैसा है। तो हमने क्या देखा, ये तीन लेयर देख लिए हार्ट की वॉल के। कौन कौन से तीन लेयर देख लिए, एपिकार्डियम एक्सटर्नल लेयर, मायोकार्डियम मिडिल लेयर, और एंडोकार्डियम इनर लेयर, ठीक है। अब इसके बाद छोटा, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि हार्ट हमारा कैसा है, मीसोडर्मली डराइव्ड स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ये मीडिया स्टेनम वाला जो पोर्शन है हमारे हार्ट बॉडी का, स्टेनम के नीचे वाला पोर्शन, वहां पे बेटा ये प्रेजेंट है, ये हमने देख लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि हमारा हार्ट डबल लेयर्ड कवरिंग से प्रोटेक्टेड है, डेट इज पेरिकार्डियम। और इसमें क्या भरा हुआ रहता है, इसमें एक फ्लूड भरा हुआ रहता है, डेट इज पेरिकार्डियल फ्लूड। ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम हार्ट को एक्सटर्नली देखेंगे और इंटरनली देखेंगे। एक्सटर्नली हमारा हार्ट किस तरह का है और इंटरनली हमारा हार्ट किस तरह का है, इसे हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। अब जरा हार्ट को देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बेटा क्लीन्स जो है, ये हमारा जो हार्ट होता है, एक तरह से कैसा दिखाई देता है बेटा, ये एक तरह से क्लीन फिस्ट की तरह दिखाई देता है, मतलब कि एक तरह से बंद मुट्ठी की तरह आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। जब डिसेक्शन के थ्रू हार्ट निकालते हैं, तो हार्ट के ऊपर आपको काफी ढेर सारे आपको हार्ट के ऊपर जो है, ये येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये क्या होता है बेटा, ये फैट होता है। तो हार्ट के ऊपर आपको काफी ढेर सारा फैट देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक्सटर्नली यदि हम देखें, तो हमारे हार्ट में चार आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है चैम्बर दिखाई देंगे। आप देखिए हार्ट के राइट साइड में, देखिए आपको राइट आर्टरियम दिखाई देगा, क्लियर कट दिख रहा है। और नीचे के साइड में आप देखेंगे तो आपको राइट वेंट्रिकल दिख रहा है। अब राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में डिफरेंट कौन कर रहा है, तो आप देखेंगे एक आर्टरी है जिसे अपन बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, तो ये क्या कर रही है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब देखेंगे कि राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को बेटा अपन सल्कस के नाम से जानते हैं, और इस सल्कस के अंदर क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट है, ओके। उसी तरह से देखिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में ऊपर जो आपको छोटा चेंबर दिख रहा है, ये क्या है, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, जूलॉजी वाले इसको ऑरिकल बोलते हैं,
एनाटॉमी वाले इसको एट्रियम के नाम से जानते हैं। और नीचे की साइड में देखिए, नीचे की साइड में आपको दिखाई देगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमें क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो डिवीजन कौन कर रहा है, ठीक है? तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो डिवाइडेशन होता है वो कौन करता है? वो करता है बेटा हमारे ये इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी। तो आपको दिख रही होंगी बेटा ये बीच में ये इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये इंटर वेंट्रिकुलर जो आर्टरी होती है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में डिवाइडेशन करती है। हार्ट का नीचे वाला जो पोर्शन होता है डेट इज नोन एज द एपेक्स। इसको अपन क्या बोलते हैं? एपेक्स के नाम से जानते हैं। और ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? थोड़ा सा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। अब आप देखेंगे बेटा हमारे हार्ट को जो है ब्लड लेके आने वाले स्ट्रक्चर, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ब्लड लेके, देखिए कौन हमारे हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रहा है जरा देखो बेटा। एक आपको दिख रही है सुपीरियर वेना कावा डायग्राम में। सुपीरियर वेना कावा जो होती है ये बॉडी के अपर साइड से ब्लड लेके हार्ट में आती है। उसी तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है डेट इज इंफीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा जो होती है वो बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से ब्लड को इकट्ठा करके कहाँ पे लेके आती है? हार्ट में लेके आती है। जरा देखिए दिख रहा है आपको डायग्राम में, ओके? अब उसके बाद आप देखिए कि हमने क्या देखा, जरा देखो ध्यान से, राइट वेंट्रिकल में से आपको एक पल्मोनरी ट्रंक निकलता हुआ दिखाई देता है। ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा आपको पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक जो है हार्ट में से निकलते बराबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा राइट पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहां ब्लड लेके जाएगी? ये लेफ्ट लंग को ब्लड लेके जाएगी। उसी तरह से आप दूसरी साइड में क्या देखेंगे कि राइट पल्मोनरी आर्टरी दिखाई देगी आपको, जो कि राइट लंग की तरफ ब्लड लेके जाएगी काय के लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए, ओके? तो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहे हैं? हार्ट से ब्लड लंग्स में लेके जा रहे हैं। काय के लिए जा रहे हैं? ऑक्सीजनेशन के लिए, ओके? अब वहां से जो ब्लड आता है तो राइट लंग से जो ब्लड आएगा हार्ट के लिए वो दो छोटी छोटी वेंस के थ्रू आता है जिन्हें हम राइट पल्मोनरी वेंस के नाम से जानते हैं, ओके? उसी तरह से लेफ्ट लंग से जो ब्लड आता है वो दो लेफ्ट पल्मोनरी वेंस के थ्रू आता है, ओके? ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके इनके थ्रू आ गया। अब इनके थ्रू कहाँ आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा और वहां से ब्लड जाएगा कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल हमको ज्यादा मोटा दिखाई देता है, ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, और यहाँ से जो ब्लड होता है वो बॉडी को ट्रांसफर किया जाता है। किसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है? एओर्टा के थ्रू। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ऊपर की साइड में मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं एओर्टा। इसे अपन किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? एओर्टा के नाम से जानते हैं। तो एओर्टा का काम क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर करना। अब आप देखते हैं कि ये जो एओर्टा जो होता है ये निकलने के बाद लेफ्ट साइड में टर्न हो जाता है। मतलब हम क्या देखते हैं कि मैमल्स के अंदर आपको लेफ्ट एओर्टिक आर्क देखने को मिलता है। तो हम क्या देखते हैं कि मैमल्स में हमें लेफ्ट एओर्टिक आर्क देखने को मिलता है। बर्ड्स की बात करें तो उसमें आपको राइट एओर्टिक आर्क देखने को मिलेगा। रेप्टाइल्स की बात करें तो उसमें राइट एंड लेफ्ट दोनों तरह के जो है आपको आर्क देखने को मिलेंगे। तो भाई ये हमारे जो है हार्ट का क्या हो गया, ये हमारे हार्ट का आउटर व्यू हो गया। कौन सा व्यू हो गया बेटा? ये आउटर व्यू हो गया। अब हम बात करते हैं इसके एनाटॉमिकल व्यू के बारे में, ठीक है? अब हम इसके एनाटॉमिकल व्यू के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर फैट क्यों होता है हार्ट के ऊपर? डिसेक्शन करते हैं तो भाई हार्ट के ऊपर फैट इसलिए होता है क्योंकि ये हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये फ्रिक्शन लेस मीडियम हार्ट को प्रोवाइड करता है। फैट की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा। हार्ट हमारा कॉन्टैक्ट एक्सपांड हो रहा है तो उसको फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो वो फैट से होगा, ठीक है? हार्ट के ऊपर फैट होने से कोई नुकसान नहीं होता है,
पर ब्लड में फैट होने से नुकसान होता है। ब्लड में फैट मतलब कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट बढ़ने से क्या होगा, ब्लड हमारा जो है ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट ज्यादा हो जाएगा। ब्लड के कॉन्सेंट्रेट होने का मतलब क्या हो गया कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आपने देखा है कि ब्लड के गाढ़ा होने पर, ब्लड के कॉन्सेंट्रेट होने पर बीपी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, और ऐसे में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा क्या होता है, फैट यदि ब्लड कैपिलरी में कहीं पे भी डिपॉजिट हो तो वो वहां पर ब्लड के फ्लो में जो है रुकावट पैदा करेगा, एब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, तो इससे जो है हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये हो गया बेटा क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हार्ट का जो हमने बता दिया। अब इसके बाद बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके एनाटॉमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा हार्ट इंटरनली कैसा दिखाई देता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यदि हम इंटरनली हमारे हार्ट को देखें तो देखिए ये इंटरनली हमारा हार्ट है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम इसलिए यूज किया है इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए कि कहीं से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बेटा। अब हमने हार्ट को काट के दिया, कट कर दिया। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि कौन कौन से आपको इसमें पार्ट दिखाई देंगे, ठीक है। तो बेटा ये हमारे हार्ट का इंटरनल व्यू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये हार्ट की क्या दिख रही है बेटा आपको, वॉल दिख रही है। हार्ट में आप देखिए ऊपर से ब्लड लेके, बॉडी के डिफरेंट ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लेके जो स्ट्रक्चर हार्ट की तरफ आ रहा है वो कौन सा है, हमारा सुपीरियर वेना कावा। ये हमारे शरीर के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड लेके कहाँ आता है, ये आएगा राइट आर्ट्रियम में। देखिए ये ओपनिंग हो रही है सुपीरियर वेना कावा की, जो ओपनिंग हो रही है बेटा यहाँ पर, ये ओपनिंग हो रही है ना बेटा, किसकी ओपनिंग है बेटा, ये सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग है बेटा। इस ओपनिंग में हम क्या देखते हैं कि कोई वाल्व नहीं होते यहाँ पे, नो वाल्व, यहाँ पे आपको कोई भी वाल्व देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली वाल्व क्या करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं। अब हमारे बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड हार्ट में आ गया, अब हार्ट से वापस ब्लड ऊपर वाले हिस्से में नहीं जाएगा क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे भेजेगी, तो ऐसे में जो है यहाँ पे वाल्व की कोई आवश्यकता होती नहीं है। अब बॉडी के नीचे वाले हिस्से से जो ब्लड आता है वो किससे आता है, इन्फीरियर वेना कावा से आएगा। ये कहाँ आएगा, हमारे हार्ट के राइट आर्ट्रियम में आएगा, ओके। तो ये राइट आर्ट्रियम है हमारे हार्ट का जिसमें बेटा ये ब्लड आ रहा है। अब आप देखिए ये ब्लड जो है नीचे की साइड से आया, अब नीचे की साइड से ब्लड जो है उसके वापस लौटने की संभावना होती है। तो आप देखेंगे कि ये ओपनिंग ऑफ जो इन्फीरियर वेना कावा है, आप क्या देखेंगे, ये जो ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना कावा है आपको बेटा यहाँ पे क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पे वाल्व दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वाल्व होता है वो वाल्व कौन सा होता है, यूस्टिशियन वाल्व होता है। यहाँ पे वाल्व कौन सा देखने को मिलेगा बेटा हमको, यूस्टिशियन वाल्व। ये यूस्टिशियन वाल्व क्या करेगा बेटा, ये ब्लड के बैक फ्लो को जो है रोकता है। डायग्राम आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा कंसंट्रेट डायग्राम पे रखिए तभी आपको डायग्राम क्लियरली समझ में आ पाएंगे और आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को मैं खुद ही ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको ज्यादा और अच्छी तरीके से क्लियर ये होता जाएगा डायग्राम, ठीक है। इस तरह से मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है तो मैं इसका खुद ही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। मैं खुद ही डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
देखिए, ये हमारा ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हार्ट की वॉल, ये कुछ इस तरह की हार्ट की वॉल है बेटा। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गई। हाँ देखिए, हाँ तो इसमें देखिए बेटा, ये वाला पोर्शन क्या है, ये हमारा राइट आट्रियम, ये क्या है बेटा, ये क्या है, राइट आर्ट्रियम है बेटा। अब इसमें क्या है जरा देखो, राइट आर्ट्रियम में ऊपर की साइड से ब्लड लेके कौन आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा जो यहाँ ओपन हो रही है, और हार्ट में नीचे की साइड से जो ब्लड लेके आ रहा है कौन, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, ऊपर कौन सी है बेटा, ये सुपीरियर वेना कावा। और नीचे से कौन सी आ रही है बेटा, इन्फीरियर वेना कावा। ओके, वो सुपीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग है, यहाँ पे कोई वाल्व नहीं होता है, जो ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे कोई वाल्व नहीं है, नो वाल्व। और जो इंफीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग होती है, यहाँ पे आपको वाल्व दिखाई देता है, कौन सा वाल्व दिखाई देता है बेटा, यहाँ पे यूस्टेशियन वाल्व दिखाई देता है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि बैक फ्लो नहीं हो। ओके, अब उसके बाद आप देखेंगे कि ये तो राइट आट्रियम है, और नीचे की साइड में ये जो पोर्शन है, ये क्या है हमारा, राइट वेंट्रिकल। तो आप देखिए, आट्रियम के कंपेयर में वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो काफी ज्यादा मजबूत होती है। यहाँ पे राइट आट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको एक वॉल्व दिखाई देगा, ये देखिए एक वाल्व दिख रहा है आपको, किस किस के बीच में दिख रहा है बेटा ये वाल्व, ये राइट आट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में दिख रहा है। और बेटा ये जो वाल्व होता है, इसे अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ओके, इसी तरह से बेटा आप देखेंगे कि ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में से जो है क्या निकल रहा है, एक मिनट मैं डायग्राम पहले पूरा कर लूं।
हाँ जी, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में से क्या होता है बेटा, हाँ तो राइट वेंट्रिकल में से हम क्या देखते हैं कि इसमें से जो है क्या निकलता है, पल्मोनरी एओर्टा निकलता है या पल्मोनरी ट्रंक। जो क्या होता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइडेड हो जाता है। जो राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब हम आते हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में देखेंगे बेटा ये क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। बड़े ज्यादा ध्यान से देखो, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको यहाँ पे एक वॉल्व दिख रहा है। ये जो वॉल्व दिख रहा है, ये कौन सा वॉल्व है बेटा, इसको अपन बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये कौन सा वाल्व है बेटा, ये बाइकस्पिड वाल्व है जो लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, आप देखिए कि राइट वेंट्रिकल में से क्या निकल रहा है, पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर ये क्या है, पल्मोनरी ट्रंक, तो पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है। उसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल में से क्या निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकल रहा है एओर्टा। क्या निकल रहा है बेटा, इसमें से आपको एओर्टा निकल रहा है। तो एओर्टा को भी देखेंगे आप, एओर्टा जो होता है वो निकल के क्या होता है कि एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं लेफ्ट एओर्टिक आर्क। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट एओर्टिक आर्क हो गया बेटा ये। ठीक है, और ये जो है इस तरह से टर्न होके जो है कहाँ चला जाएगा, बॉडी के नीचे चला जाएगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को बेटा ये क्या ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है, अब जरा वेंट्रिकल के देखिए, आप देखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो भी काफी मोटी है। मतलब आपने क्या देखा कि आर्ट्रियम की वॉल पतली है और वेंट्रिकल की वॉल कैसी है, ठीक है, ये आपने देखा। हाँ, अब यहाँ पे आपको कुछ मसल्स वेंट्रिकल की वॉल में आपको नीचे की साइड में लगी हुई दिखाई देंगी। ये जो मसल्स आपको नीचे की साइड में लगी हुई दिखाई देती है, कुछ इस तरह से दिखाई देगी बेटा, जरा देखो। इस तरह से कुछ मसल्स आपको वेंट्रिकल की वॉल में नीचे की साइड में लगी हुई दिखाई देंगे। तो ये जो मसल्स हैं स्टूडेंट्स, इन मसल्स को बेटा हम पैपिलरी मसल्स के नाम से जानते हैं और इन पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बेटा ये क्या है, पैपिलरी मसल्स हैं जो आपको नीचे लगी हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो ये जो मसल्स दिख रही है, ये कौन सी मसल्स है बेटा, ये पैपिलरी मसल्स हैं। ओके, बेटा ये पेपिलरी मसल्स हैं और पेपिलरी मसल्स में से क्या देखते हैं बेटा, हम कुछ हार्ड स्ट्रक्चर निकलते हैं। जो हार्ड स्ट्रक्चर क्या करते हैं कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखो इस तरह से, ठीक ये इस तरह के स्ट्रक्चर निकले हुए रहते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में भी देखेंगे आप, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर निकले हुए हैं लंबे लंबे रॉड जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पेपिलरी मसल्स में से,
ये क्या करते हैं कि ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व को सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होते हैं। ठीक है, तो ये जो रॉड लेस जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको अपन बोलते हैं कार्डी टेंडनी। ठीक है, इनको अपन कार्डी टेंडनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का है। यहां पे देखिए कि अब देखो अब वेंट्रिकल के बीच की ये जो वॉल है ये आपको काफी थिक दिख रही है और आट्रियम के बीच की वॉल जो है आपको पतली दिख रही है। तो इन वॉल के भी कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं, वो थोड़े नाम भी देख लेते हैं। ये नाम मैं बता देता हूं इनके आपको। हाँ देखिए ये वेंट्रिकल के बीच की वॉल है, तो बेटा ये वेंट्रिकल के जो बीच की बाल होती है इस वॉल को हम बोलते हैं इस वॉल को हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं। उसी तरह से आर्ट्रियम के बीच की जो वाल होती है, राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच की जो वाल होती है इसे हम बोलते हैं इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम। इसे अपन क्या बोलेंगे इंटर आर्टिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट दीज आर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ये क्या है बेटा, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। हाँ यहां पर भी एक चीज बड़ी अनोखी चीज आपको देखने को मिलेगी बेटा, ये जो इंटर आर्टिकुलर सेप्टम में आपको एक छोटा सा निशान आपको देखने को मिलेगा दोनों साइड से। जब हम डिसेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक निशान दिखाई देता है। कैसा निशान दिखता है, जैसे देखिए आपके हाथ पे जो है आपके बेसिकली जो आपका जो लेफ्ट हैंड है उस पे जरा देखिए वैक्सीन का निशान आपको अपर हैंड साइड पे होगा छोटा सा। ठीक है, उसी तरह का एक निशान छोटा सा हमें जो है इस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो छोटा सा निशान जो होता है इस निशान को बेसिकली हम जो है बोलते हैं एक स्कर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इंग्लिश में बोले तो एक छोटा सा स्कर लाइक जो है आपको डिप्रेशन दिखाई देता है, एक ओवल डिप्रेशन यहां दिखाई देगा, एक ओवल डिप्रेशन दिखाई देता है यहां पे। और इस ओवल डिप्रेशन को बेटा अपन बोलते हैं फोसा ओवेलिस। यहां पे थोड़ा पेन सही काम नहीं कर रहा है, फोसा ओवेलिस क्या बोलते बेटा इसको अपन, फोसा ओवेलिस। अब बेटा देखिए एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एक छेद होता है, एक अपर्चर होता है, जिससे राइट साइड का और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड होता है, सॉरी राइट आर्ट्रियम का और राइट जो जो राइट आर्ट्रियम का और लेफ्ट आर्ट्रियम का जो ब्लड होता है वो आपस में मिक्स होता रहता है। तो उस बचपन में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक छेद होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं फोरामेन ओवल। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन, फोरामेन ओवल। इसे अपन बोलेंगे फोरामेन ओवल। पर बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हम क्या देखते हैं कि छठवें सातवें महीने में ये फोरामेन ओवल बंद हो जाता है और बंद होके वहां पे क्या बन जाता है, एक ओवल डिप्रेशन दिखाई देता है, डेट इज फोसा FOSSA फोसा ओवेलिस OVALIS ओवेलिस। तो इसे अपन किस नाम से जानेंगे, फोसा ओवेलिस। मतलब हमारे हार्ट में अभी क्या है, फोसा ओवेलिस। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के छठे महीने में क्या रहा होगा यहाँ पे, फोरामेन ओवेल।
अच्छा कुछ बच्चों में क्या होता है कि फॉरेमन ओवेल जो होता है वो ढंग से बंद नहीं हो पाता है। बच्चा पैदा हो गया, बड़ा भी होने लगा बच्चा, पर उसमें जो है फॉरेमन ओवेल क्लोज नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होगा, राइट आर्टेरियम का और लेफ्ट आर्टेरियम का ब्लड एक दूसरे में मिक्स होता रहेगा। ऐसे में बच्चे की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वो प्रॉपरली कोई भी हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा। ओके, तो आपने कई बार सुना होगा कि किसी भी एक्स वाई जेड बच्चे के दिल में छेद है, तो वो छेद क्या होता है, एक्चुअली वो फॉरेमन ओवेल होता है। तो जनरली इसके लिए क्या किया जाता है कि एक छोटी सी सर्जरी होती है, उसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो एक ऑप्टिकल फाइबर के साथ, एक ऑप्टिकल जो हमारे जो फाइबर होते हैं उनके साथ जो है बेटा, हम कुछ केमिकल्स को एक पतली, बहुत ही पतली सिरिंज के थ्रू हार्ट तक भेजते हैं, और कुछ केमिकल्स यहाँ पे जो है हम स्प्रेड करते हैं जिससे कि ये पूरा बंद हो जाता है, और फिर इन दोनों के बीच में जो है कनेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ऐसा माइनर एक सर्जरी होती है जिससे कि ये ठीक हो जाता है। ओके, तो इससे कोई, ये बहुत, कोई बहुत बड़ा मेजर जो है प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट। मैं आपके डाउट देख लूं, क्या डाउट है आपके? हाँ, क्या डाउट है, किसका, ओम पटेले का क्या डाउट है भाई? कार्डी टेंडनी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये कार्डी टेंडनी जो होते हैं, जरा समझिए क्या है बेटा। कार्डी टेंडनी जो होते हैं ये छोटे 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 फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए रॉड्स हैं, और ये रॉड क्या करेंगे, ये बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व को क्लोज होने में और ओपन होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बाइकस्पिड वाल्व का क्या काम होता है, इसके लिए कल के लेक्चर का इंतजार कीजिए। कल के लेक्चर में आपको ये देखने को मिल जाएगा क्या काम होता है इसका। और किसी का कोई डाउट है क्या बेटा? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सो भाई, हार्ट, पूरा हार्ट कार्डिक मसल्स का नहीं बना होता है, हार्ट की वॉल का मिडिल पोर्शन, द मिडिल पोर्शन ऑफ द हार्ट वॉल मेड बाय द कार्डियक मसल्स। ओके, पूरा हार्ट कार्डियक मसल्स का नहीं बना होता है। और कोई डाउट किसी का? उम्मी का क्या डाउट है? जहर से पर्सन की डेथ होती है ना, हार्ट में होल होता है। देखिए, जहर से यदि किसी भी पर्सन की मौत होती है तो मौत जहर से क्यों होती है? देखिए जरा बात को समझिए, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन ने जहर खाया, जहर खाए कहाँ जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल से फूड एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुंचता है, हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में। यदि कोई पर्सन जहर खाता है तो पहले तो उसका लीवर फेल होगा, और लीवर फेल होने के बाद ये जहर कहाँ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, और उसकी वजह से उसकी किडनी फेल हो जाएंगी, इस वजह से उसकी डेथ होती है। तो मान लीजिए कोई भी पर्सन, कोई भी सपोज कोई पर्सन मान लीजिए इंसेक्टिसाइड कोई ड्रिंक कर लिया, पी लिया उसने, तो इमीडिएट डेथ एकदम तो नहीं होती उसकी डेथ। ऐसा नहीं होता कि विद इन मिनट उसकी डेथ हो गई, कुछ घंटे के अंदर उसकी मौत होती है। मौत क्यों होगी, जो भी उसने ड्रिंक किया है जहर वो कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। तो वो किसको कॉज करेगा, फिर लीवर फेल करेगा। इंशाल्लाह यदि उसका लीवर बच भी जाता है तो वहां से जहर कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा, और उसकी किडनी को जाके फेल कर देगा, जिससे पर्सन 24 से 36 घंटे के अंदर मर जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, जहर लिखा नहीं लिखा तो क्या लिखा है आपने? हाँ बेटा, हार्ट के स्ट्रक्चर के नाम याद रखना जरूरी है, तो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट में जो हार्ट का स्ट्रक्चर भेजूंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर, आप एक बार उसको रफ तरीके से ड्रॉ करके देखिए, तभी आपको हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, ड्रॉ करने, याद रखने की जरूरत नहीं है, हम बार बार ये वर्ड रिपीट होते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। याद कीजिए, जब हमने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा था इनिशियली जो है फाइलम के नाम बड़े अटपटे लगते थे, अब धीरे धीरे करके आपको सारे फाइलम के नाम याद हो गए होंगे, उस तरह से बेटा वो याद हो जाएंगे।
हार्ट में छेद होने से, हॉल होने से डेथ नहीं होती, पर्सन की वर्किंग इफिशियंसी प्रभावित होती है। मतलब पर्सन हार्ड मस्कुलर वर्किंग नहीं कर सकता, मतलब जिसके दिल में छेद है वो तेजी से दौड़ नहीं सकता, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें कि बहुत ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। हार्ट में छेद होने से पर्सन मरता नहीं है। और किसी का कोई डाउट तो नहीं? थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर, धन्यवाद।